सरकारें जहां एक और विकास के दावे करते नहीं थकती, वहीं आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग सड़क सुविधा को तरस रहे हैं। सोलन जिला की तोप की बेड़ पंचायत का चौरा गांव भी आज दिन तक सड़क सुविधा से वंचित है। चुनावों से पूर्व प्रधान से लेकर मंत्रियों विधायकों ने उनकी सड़क को निकालने की बात कही, लेकिन चुनावों के बाद इस सड़क का मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। हालात यह है कि गर्भवती महिलाओं सहित मरीजों को पालकी में मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है, जिससे सरकार के इस पंचायत में विकास के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही मामला आया जब एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला शकुंतला शर्मा बीमार पड़ी तो ग्रामीणों की मदद से उन्हें मुख्य सड़क मार्ग तक पालकी में पहुँचाना पड़ा। यदि गाँव में युवा ना होते तो महिला की स्थिति और अधिक बिगड़ सकती थी। महिला के पोते लक्ष्य शर्मा ने बताया कि उनके चौरा गांव में सड़क की सुविधा नहीं है। स्थानीय पंचायत से लेकर मंत्री तक समय समय पर गुहार लगाए जाती है, लेकिन उनकी समस्या का निपटारा कोई नहीं करता। उन्होंने कहा कि उनके गांव को सड़क बननी चाहिए। उन्होंने बताया, मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है, मैं ग्राम पंचायत तोप की बेड़ गाँव चौरा से हूँ। और जी, हमारे यहाँ आज शकुंतला शर्मा जो हमारी दादी जी है, उनकी अचानक तबीयत खराब होगी सुबह, जिस कारण सुबह का समय था, जिस कारण गांव के युवाओं की मदद से हमारे को उनको उठा के ले आना पड़ा डोले में। और क्या बोलते, सड़क का कोई प्रावधान नहीं है। शांडिल जी आए, कश्यप जी आए चुनाव से पहले, उन्होंने बोला हम सड़क का प्रावधान करेंगे, पर सड़क का कोई प्रावधान नहीं हुआ। एक दिन तो हमारे को रात को ले आना पड़ा, रात को उठा के 1.5 किलोमीटर का सफ़र है जी, जहां हमारे को पैदल ही ले जाना पड़ता है। सड़क का कोई प्रावधान नहीं हो पा रहा, सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। शांडिल जी के पास जाना गए जी, पर कोई प्रावधान नहीं निकल पा रहा। हम चाह रहे हैं कि हमारे को जल्द से जल्द सड़क का प्रावधान किया जाए। वहीं जब सोलन के विधायक व स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से बात की गई तो उन्होंने माना कि उनके ध्यान में यह मामला है, वह जल्द ही इस समस्या का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं देने सरकार का प्रयास है, वह चरणबद्ध तरीके से वह सभी समस्याओं का निपटारा करेंगे। उन्होंने बताया, ये एक बहुत दुखद अध्याय कह सकता हूँ, मैंने बात ऐसी वहाँ भी कही थी कि हम लोगों को इसको पटरी में लाते कम से कम एक साल जरूर लग जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं, सड़कों की वाकई बड़ी खराब हालत। मैंने यहाँ से लेकर नौनी तक एक अच्छी सड़क बनवाने का प्रयास किया था और उस पर कोई भी काम 5 साल नहीं हुआ। तो जब कोई काम होगा ही नहीं तो फिर कहाँ से मेंटेन होगी? मेंटेनेंस की चार्जेज ही नहीं है, और मेंटेनेंस के चार्जेज ना हो तो ऐसे काम होते हैं जो विकास का काम। अब हम इसको धीरे धीरे पटरी पर ला रहे हैं, आप देखेंगे थोड़े समय दीजिए, सड़कें भी ठीक हो जाएंगी, आपके स्वास्थ्य केंद्र में भी आदमी आ जाएंगे। हम 700 नर्सिस को रिक्रूट करने का प्रावधान कर रहे हैं, हम 200 डॉक्टरों को भी रिक्रूट करने का प्रावधान कर रहे हैं, जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे और हमारे जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट वो भी होंगे, और जहाँ जहाँ पर और किसी प्रकार की उपकरणों की कमी उसको तरफ भी ध्यान दिया जाएगा।